हेलो एवरीवन वेलकम टू मैग्नेट ब्रेंस मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स का चैप्टर नंबर नाइन जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन एटी नाइन तक देख लिया था अब बस इस चैप्टर के लास्ट थ्री क्वेश्चन करने बाकी हैं अब ये लास्ट थ्री क्वेश्चन थोड़े फुल फ्लेज क्वेश्चन हैं ठीक है थीके, थोड़े से टेक्निकल भी हैं लेकिन अगर आपके अभी तक के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं तो आप इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे चलिए तो साथ में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी क्या बोल रहा है कोनार्क लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूंग थ्री लाख शेयर ने कितने शेयर इशू किए तीन लाख शेयर इशू किए साथ साथ हम चलो अपना चार्ट भी बनाते जाते हैं समरी थ्री लाख शेयर इशू किए एट द रेट रुपीज टेन ईच दस रुपए की फेस वैल्यू पे इशू किए द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलोज अब इंस्टॉलमेंट क्या क्या दी हुई है तीन रुपए एप्लीकेशन पे तीन रुपए अलॉटमेंट पे एंड चार रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे चलो लिख लेते हैं तीन रुपए एप्लीकेशन पे तीन रुपए अलॉटमेंट पे और चार रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ठीक है तो ये तीन इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी दस रुपए की फेस वैल्यू रिकवर करेगी शेयर होल्डर्स से द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर फोर तो कंपनी के पास चार लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई ठीक है लिख लेते हैं यहां पर कंपनी के पास चार लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई अब किस बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ वो देखना है तो एप्लीकेंट्स फॉर टू लैख फोर्टी थाउजेंड शेयर अलॉटेड टू लाख शेयर्स तो जो पहले दो लाख चालीस हज़ार शेयर्स अप्लाई किए लोगों ने उस पर कंपनी ने दो लाख ,00 शेयर्स अलॉट कर दिए अगले एक लाख बीस शेयर्स की रिक्वेस्ट के लिए एप्लीकेशन्स के लिए कंपनी ने अस्सी हजार शेयर्स अलॉट कर दिए एंड जो रिमेनिंग एप्लीकेशन्स थी उसके लिए कंपनी ने ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स अलॉट कर दिए मतलब यहाँ पर क्लियरली किसी को भी मना नहीं किया किसी की भी एप्लीकेशन्स को रिजेक्ट नहीं किया सबको कुछ ना कुछ मिला है चलो तो लिख लेते हैं यहाँ पे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं हम तो पहली कैटेगरी क्या हो जाएगी फर्स्ट कैटेगरी जिन लोगों ने फर्स्ट टू लाख फोर्टी थाउजेंड शेयर अप्लाई किए कंपनी ने उनको कितना अलॉट कर दिया दो लाख यहां लिख लेते हैं अप्लाइड और यहां लिख लेते हैं अलॉटेड ठीक है सेकेंड कैटेगरी में सेकेंड कैटेगरी में क्या हुआ है जिन्होंने एक लाख बीस हजार शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको अलॉट किए गए हैं अस्सी हजार शेयर्स एंड लास्ट कैटेगरी में बोला है कि रिमेनिंग शेयर्स जो है रिमेनिंग एप्लीकेंट्स जो थे उनको हमने ट्वेंटी थाउजेंड शेयर्स अलॉट कर दिए गए तो जैसा कि आप देख सकते हो अलॉटमेंट साइड पे टोटल कितना आ रहा है दो लाख ,00 प्लस अस्सी दो लाख अस्सी प्लस ट्वेंटी तीन लाख तो तीन लाख शेयर्स टोटल कंपनी के पास थे जो कंपनी ने अलॉट कर दिए यहाँ पर हमें फिगर निकालना है ठीक है बैलेंसिंग फिगर क्या होगा टू लाख ,00 फोर्टी थाउजेंड प्लस वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड कितना हो गया थ्री लाख सिक्सटी हो गया और चार लाख शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है

जो कैटेगरी टू को बिलोंग कर रहा है उसने अप्लाई किया था कितना छ हजार शेयर्स के लिए उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया सिमिलरली फैसल अनदर शेयर होल्डर हु अलॉटेड जिसको अलॉट किए गए थे दस हजार शेयर्स पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट तो यहाँ पर फैजल अच्छा बच्चा था उसने क्या किया अलॉटमेंट का पैसा देते वक्त उसने कॉल का पैसा भी एडवांस में दे दिया मतलब कॉल जिन एडवांस हो गया फैसल बिलोंग टू ग्रुप वन दिविज शेयर वर फोर फीटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हाफ ऑफ द फोर फीटेड शेयर वर रीशूड एट टेन पर शेयर फुली पेड अप पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी तो यहाँ पर बस हमें जर्नल एंट्री में जर्नल एंट्रीज करनी है चलिए तो यहाँ पर दिविज और फैसल का क्या क्या बताया गया है दिविज बिलोंग कर रहा था कैटेगरी टू को फैसल बिलोंग करता है कैटेगरी वन को ठीक है तो यहाँ पे बोला गया डिविज ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया लेकिन इसका अमाउंट एक्सेस एडजस्ट करने के बाद अलॉटमेंट का पैसा जो बच रहा था वो नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया ठीक है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद इसके शेयर्स को क्या कर लिया गया फोर फीट कर लिया गया वहीं पर फैसल ने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया ही अलॉटमेंट का पैसा भी दिया और साथ ही साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी अलॉटमेंट के सा, साथ ही दे दिया आ रहा है समझ में क्लियर हो गया तो यहां पर एक इन एडवांस हो गया चलिए अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी आपकी तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ठीक है तो यहां पर सबसे पहली चार लाख शेयर्स पर कंपनी को सबसे पहली इंस्टॉलमेंट कितनी मिल रही है एप्लीकेशन पे तीन रुपए पर शेयर के हिसाब से ठीक है तो एप्लीकेशन का टोटल कितना पैसा मिल गया कंपनी को चार लाख शेयर्स पर लोगों ने तीन पर शेयर के हिसाब से कंपनी को टोटल मिल गया बारह लाख ठीक है नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना है बारह लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा कंपनी के पास एक्चुअली कितने शेयर्स थे अलॉट करने के लिए तीन लाख शेयर्स थे मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ एप्लीकेशन तीन रुपए दैट मींस कितना हो गया नाइन लाख ,00 अब जो भी एक्सेस अमाउंट है कंपनी का एक्चुअली एप्लीकेशन पर ड्यू होना चाहिए था नौ लाख बट उसको मिल कितना गया बारह लाख तो अब जो भी एक्सेस अमाउंट मिला दैट इज रुपए वो हम कहां पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अगली इंस्टॉलमेंट में एडजस्टमेंट कर देंगे तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हम जाके क्रेडिट कर देंगे कितना तीन लाख ठीक है तो एप्लीकेशन की एंट्रीज क्लियर हो गई चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अब यहां पर कंपनी अलॉटमेंट का पैसा बुलवाएगी कितने शेयर्स पे बुलवाएगी कंपनी ने अलॉट कितने शेयर्स किए तीन लाख शेयर्स तो तीन लाख शेयर्स पे तीन रुपए पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा बुलवाएगी थ्री लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय थ्री दैट इज नाइन लाख, ठीक है अब ये नेक्स्ट एंट्री जो है थोड़ी ध्यान से करने की जरूरत है ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट चलो अब ध्यान से करते हैं ठीक है नौ ,00 लाख रुपए कंपनी को अलॉटमेंट पे एक्सपेक्टेड था लेकिन नौ लाख रुपए में से तीन लाख रुपए तो ऑलरेडी मिल चुका है तो अब कंपनी को कितना मिलना चाहिए छह लाख ,00 रुपए ठीक है कंपनी नौ लाख ,00 रुपए चाह रही है अलॉटमेंट पे लेकिन उसमें से ऑलरेडी तीन लाख ,00 रुपए एप्लीकेशन के वक्त ही एडवांस में मिल चुका है तो अब बचा हुआ छह लाख रुपए मिलेगा ठीक है कंपनी ऐसे एक्सपेक्ट करेगी कि उसको छह लाख मिलेगा लेकिन यहां पर हमारे दिविज भाई साहब आ जाएंगे और कंपनी को क्या देने वाले हैं धोखा देने वाले हैं कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं देंगे तो यहां पर हमें दिविज का निकालना पड़ेगा पूरा वर्किंग ठीक है तो दिविज बिलोंग टू कैटेगरी टू कैटेगरी टू में क्या रेशियो था ट्वेल्व इस टू एट का रेशियो था एक लाख बीस हजार इस टू एटी थाउजेंड इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो कितना हो जाएगा थ्री टू टू का रेशियो हो जाएगा तो हर तीन शेयर के बदले कंपनी दो शेयर अलॉट कर रही थी कैटेगरी टू वाले लोगों को ठीक है तो इसी कैटेगरी में दिविज ने कितने शेयर्स अप्लाई किए शेयर्स अप्लाई किए तो शेयर्स अप्लाई करने के बदले दिविज को कितने अलॉट हुए वो निकाल सकते हो बिल्कुल निकाल सकते हो तो अलॉटेड शेयर्स कितना हो जाएगा सिक्स थाउजेंड इंटू टू डिवाइडेड बाई थ्री ठीक है तो ये कितना हो जाएगा आपका फोर थाउजेंड क्लियर हो गया तो चार हजार शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट किए होंगे अब हम बची हुई वर्किंग कर लेते हैं पूरी एप्लीकेशन अमाउंट हमें दिविज से कितना रिसीव हुआ होगा छ हजार शेयर्स उसने अप्लाई किए होंगे और छह हजार शेयर्स पे उसने तीन रुपए पर शेयर एप्लीकेशन दिया मतलब अट्ठारह हजार दिया लेकिन दिविज का एप्लीकेशन अमाउंट बनता कितना था एप्लीकेशन अमाउंट हमें उससे मिलना चाहिए था उसको हमने सिर्फ चार हजार शेयर्स ही अलॉट किए हैं तो चार हजार शेयर्स पर तीन रुपए के हिसाब से उससे मिलना चाहिए था बारह हजार रुपये लेकिन हमें उसने कितना दे दिया अट्ठारह हजार मतलब उसने सिक्स थाउजेंड एक्सेस दे दिया ठीक है अब जब अलॉटमेंट ड्यू करेगी कंपनी तो दिवज से कितना मंगवाएगी दिविज से बोलेगी कि चार हजार शेयर्स पर तीन रुपये पर शेयर लेकर आओ बारह हजार तो दिविच क्या बोलेगा अरे भाई पहले मेरा एक्सेस अमाउंट जो मैंने पहले से ज्यादा दे के रखा है उसको एडजस्ट कर लो तो कंपनी ने बोला चलो ठीक है कंपनी ने 6000 एडजस्ट किया उसके बाद भी 6000 आउटस्टैंडिंग बचा, तो कंपनी ने बोला कि लो तुम्हारा एक्सेस एडजस्ट करने के बाद 6000 लाओ, तो इसने 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 क्या किया? धोखा दे दिया, यहां पर कंपनी को एक्सपेक्टेड है कि उसको छ लाख रुपए अलॉटमेंट का मिल जाएगा लेकिन यहां पर दिविज ने पैसा नहीं दिया कितना नहीं दिया कॉल्ज इन अरियर्स अकाउंट डेबिट छः हज़ार नहीं दिया ठीक है तो अलॉटमेंट का कंपनी को कितना मिल गया फाइव लाख नाइन्टी फोर थाउजेंड मिल गया छः लाख ,00 में से छः हज़ार नहीं मिला तो फाइव लाख नाइन्टी फोर मिल गया इतना क्लियर हो गया चलो तो यहाँ पे अलॉटमेंट की हमने ये वाली एंट्री तो कर ली लेकिन यहाँ पर फैसल ने अलॉटमेंट का पैसा तो दिया लेकिन साथ ही साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया ठीक है तो यहां पर मतलब कॉल्स इन एडवांस भी मिल रहा है कंपनी को तो हम टू कॉल्स इन एडवांस लिख लेंगे ठीक है तो फैसल को कितने शेयर्स अलॉट किए गए थे वो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है अलॉटेड टेन थाउजेंड शेयर्स तो फैसल को टेन थाउजेंड शेयर्स अलॉट किए गए थे तो यहां पे लिख लेते हैं टेन थाउजेंड शेयर्स तो उसने दस हजार शेयर्स पर अपने चार रुपए पर शेयर के हिसाब से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दिया ठीक है एडवांस में उसका जो भी एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन पे होगा वो पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पूरा चार रुपए उसको देना है तो टोटल उसने कितना दे दस हजार शेयर्स पे चार रुपए पर शेयर के हिसाब से उसने फोर्टी थाउजेंड रुपीज अभी से एडवांस में दे दिया ठीक है तो यहाँ बैंक अकाउंट में आपको अलॉटमेंट का पैसा तो मिला ही छह लाख ,00 में से छह ,00 माइनस करके फाइव ब्लर ,00 बट चालीस हजार रुपए का आपको कॉलजिन एडवांस भी मिल गया तो फाइव लैख नाइन्टी फोर थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड कितना हो गया सिक्स लैख थर्टी फोर थाउजेंड आया समझ में ठीक है इसमें कोई डाउट तो नहीं है चलिए तो ये वाली एंट्री एकदम क्लियर होनी चाहिए कि बैंक अकाउंट डेबिट ये क्या क्या अमाउंट आ रहे हैं कॉलजिन अरियर्स अकाउंट डेबिट छह हजार क्यों आ रहा है ठीक है यहां पर मैं लिख देती हूँ वर्किंग नोट नंबर वन में हमने की है इसकी वर्किंग टू तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में छह लाख आ रहा है एडजस्ट करने के बाद एक्सेस अमाउंट और कॉल इन एडवांस चालीस हजार रुपए क्लियर हो गया तो यहां पर हमारा अलॉटमेंट तक की पूरी कहानी कंप्लीट हो गई इसके बाद कंपनी क्या करेगी कंपनी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी ठीक है तो यहां पर देखें जरा क्या लिखा हुआ है यहां पर दिविज ने अलॉटमेंट और कॉल मनी दोनों ही नहीं दिया है है ना तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद ही कंपनी इसके शेयर्स फोरफीट करने वाली है चलिए तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो कंपनी के पास कितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हुए हैं तीन लाख शेयर्स अलॉट किए हुए हैं उस उसपे कंपनी फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की इंस्टॉलमेंट बुलवाएगी चार रुपए पर शेयर के हिसाब से दैट मीन्स बारह लाख रुपए बुलवाएगी ठीक है नेक्स्ट अब एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और जो कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी मिल चुका है वो भी हम यहां पर अब एडजस्ट करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट क्यों क्योंकि अब फर्स्ट कॉल कंपनी ने बुलवा लिया है टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ठीक है यहां पर फिर से दिविज ने पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन अरेयर्स भी आने वाला है कॉल्स इन अरेयर्स अकाउंट डेबिट चलो तो अब यहां पर कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको 12 लाख उसने ड्यू किया तो उसको 12 लाख मिल जाएगा लेकिन सबसे पहले यहां पर कौन चिल्लाएगा सबसे पहले चिल्लाएगा फैसल बोलेगा अरे भाई मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे चुका है तो अब आप मुझसे मत मांगो तो कंपनी को याद आएगा अच्छा हाँ हाँ यहाँ पे कॉल जिन एडवांस मिला है तो कंपनी कॉल जिन एडवांस को यहाँ पे डेबिट कर लेगी लेकिन फिर भी कंपनी को अब क्या उम्मीद रहेगी कि चलो बारह लाख में से चालीस हजार माइनस किए दैट मीन्स इलेवन लाख सिक्सटी थाउजेंड तो अब मिल ही जाएगा लेकिन फिर दिविज भाई साहब आएंगे और वो वापस से धोखा देंगे तो कंपनी को दिविज दिविज को कितने शेयर्स अलॉट किए थे चार हजार शेयर्स तो फोर थाउजेंड शेयर्स पर दिविज चार रुपये पर शेयर नहीं देने वाला है क्यों क्योंकि इसका पूरा एक्सेस अमाउंट तो एडजस्ट हो चुका था तो अब यहाँ पर एक्सेस अमाउंट कुछ एडजस्ट करने के लिए बचा नहीं है जो भी था अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुका था तो पूरा का पूरा चार रुपए पर शेयर दिविज को चार हजार शेयर्स पर देना था वो उसने नहीं दिया तो यहाँ पर चार हजार शेयर्स पर चार रुपये पर शेयर दिविज ने नहीं दिया मतलब सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज कॉल्स इन अदियर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो अब कंपनी को बारह लाख में से सोलह हजार तो दिविज ने नहीं दिए ठीक है और चालीस हजार रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं तो अब उसको इवेंचुअली कितने मिल जाएंगे इलेवन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड ठीक है तो ट्वेल्व लाख माइनस सिक्सटीन थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड आपका कितना आ जाएगा इलेवन लैख फोर्टी फोर थाउजेंड क्लियर हो गया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक की एंट्रीज एकदम क्लियर हो गई चलिए इसके बाद क्या बोला गया है दिच शेयर्स वर फोरफीटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो दिविज के शेयर्स को अब हम फोर फीट कर लेते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो चुका है और कंपनी ने कहा कि अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है तो कंपनी ने दिविज के शेयर्स को कैंसिल किया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ठीक है दिविज को कितने शेयर्स अलॉट किए थे चार हजार शेयर्स अलॉट किए थे और कंपनी अभी तक कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू कितना हो चुका है थ्री प्लस थ्री प्लस फोर टेन रुपीज पूरा बुलवा चुकी है तो यहां पर हम लिख लेते हैं चार हजार शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई टेन दैट इज फोर्टी थाउजेंड हो जाएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फोर्टी थाउजेंड कोई प्रीमियम है नहीं तो so, सीधे लिख देंगे टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट तो कॉल्स इन अरेयर्स अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा अलॉटमेंट पे डिज ने कितना नहीं दिया 6,000 हजार प्लस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना नहीं दिया सोलह हजार तो सिक्स थाउजेंड प्लस सिक्सटीन थाउजेंड कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड में से ट्वेंटी टू थाउजेंड तो कॉलज इन ही हो गया और जो डिविज ने दे चुका है अभी तक वो हम कब्जे में ले लेंगे और अपनी शेयर फोर फीचर अकाउंट की जेब में डाल लेंगे तो कितना हो गया अट्ठारह हजार फोर्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी टू थाउजेंड ठीक है आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो दिविज से टोटल पैसा कितना मिला एप्लीकेशन पे अठारह हजार मिला इसमें कोई भी प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है तो पूरा का पूरा अमाउंट हम क्या लिख लेंगे यहां पे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में 18000 लिख लेंगे आया समझ में ये सारी एंट्रीज एक बार देखो इसमें कोई डाउट हो तो पूछो ठीक है क्लियर हो गया चलो अब आते हैं आगे क्या बोला गया है हाफ ऑफ द फॉरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 10 पर शेयर फुली पेड अप ठीक है तो फुली पेड मतलब पेड अप वैल्यू यहाँ पर हमारी फेस वैल्यू हो जाएगी फुली पेड मान रहे हैं तो टेन रुपीज अप वैल्यू और टेन रुपीज के प्राइस पर ही री कर रहे हैं तो ना ही कोई डिस्काउंट है और ना ही कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सीधे सीधे हमारी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी अब इसमें से आधे शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है तो यहां पर बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा चार हजार कंपनी ने फोर किया है उसमें से दो हजार शेयर्स को री कर रहे हैं दस रुपए पर शेयर के हिसाब से तो ये हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है और पेड अप वैल्यू भी कितनी है दस रुपए तो दो हजार शेयर मल्टीप्लाइड बाय टेन दट इज ट्वेंटी थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड की वैल्यू वाले शेयर्स को हम ट्वेंटी थाउजेंड में ही इशू कर रहे हैं री इश्यू कर रहे हैं चलिए अब लास्ट एंट्री हो जाएगी हमारी क्या शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ठीक है तो बहुत सिंपल है यहां पर हमने कितने शेयर्स फोर फीट किए हमने 18,000 शेयर्स शेयर फोर फीट किए 18,000 का अमाउंट फोर फीट किया सॉरी ठीक है तो 18,000 का आपने टोटल जेब में अमाउंट डाला जिसमें से आपने 2,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाई कर दो तो 2,000 शेयर्स रीइ किए डिवाइडेड बाय 4,000 थाउजेंड शेयर फोर फीट किए माइनस डिस्काउंट कुछ भी नहीं है ऑन री इशू तो जीरो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा अट्ठारह हज़ार इंटू टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई फोर थाउजेंड मतलब अट्ठारह हज़ार का हाफ दैट इज नाइन थाउजेंड तो नाइन थाउजेंड आपका चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में एज गेन ऑन री इशू आए समझ में तो क्योंकि आप आधे ही शेयर री इशू कर रहे हो तो जेब में जो आपने कब्जा किया था उसका ही उसका आधा अमाउंट ही आपका गेन ऑन री इशू रिकोगनाइज होगा और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा इतना क्लियर हो गया ठीक है चलो तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार जल्दी से हमारा आंसर क्या हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में जा रहा है नाइन थाउजेंड और अलॉटमेंट का जो मनी हमें रिसीव हुआ है वो है फाइव लाख नाइन्टी फोर थाउजेंड तो देखो इतना ही आ रहा था हमारा अलॉटमेंट का मनी फाइव लाख नाइन्टी फोर थाउजेंड आ रहा था और ये हमारा आ गया नाइन थाउजेंड चलिए तो जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो ठीक है सारी जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई और एक बार ये वर्किंग भी देख लो चलिए एक क्वेश्चन और देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 वन मैक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर टू लैक इक्विटी शेयर चलो तो हम लोग बिल्कुल साथ साथ पूरी कहानी की समरी बनाते जाते हैं तो बहुत आसानी हो जाएगी मैक्स लिमिटेड ने कितने लाख शेयर इशू किए दो लाख शेयर इशू किए कितने प्राइस पे दस रुपये की फेस वैल्यू पे एंड ट्वेंटी परसेंट के प्रीमियम पे मतलब दस का ट्वेंटी परसेंट कितना हो जाएगा टू रुपीज़ का प्रीमियम आया समझ में मतलब दस रुपये वाला शेयर बारह रुपये में इशू कर रहे हैं द मनी पेबल पर शेयर वॉज ऑन एप्लीकेशन फाइव रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट फोर रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ टू फर्स्ट कॉल दो रुपए एंड फाइनल कॉल एक रुपये चलो तो लिखते जाते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन पर कंपनी जो है पाँच रुपये बुलवा रही है ठीक है अलॉटमेंट पे टोटल चार रुपए बुलवा रही है जिसमें से दो रुपए तो प्रीमियम ही है तो कितना बचा दो रुपए फेस वैल्यू अलॉटमेंट की हो जाएगी दो रुपए ठीक है फर्स्ट कॉल पे कितना बोल रही है फर्स्ट कॉल पे दो रुपए एंड फाइनल कॉल पे एक रुपए तो फर्स्ट कॉल पे दो रुपए फाइनल कॉल पे एक रुपए क्लियर हो गया इतना तो चार इंस्टॉलमेंट्स में कंपनी दस रुपये बुलवाने वाली है फाइव प्लस टू कितना हो गया सेवन प्लस थ्री हो गया टेन तो बिल्कुल परफेक्टली आपने बाईफिकेशन बना लिया चलो अब आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर टू लैख फोर्टी तो थाउजेंड शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड एज फॉलोज ठीक है तो एप्लीकेंट्स ऑफ वन लैख शेयर्स को अलॉट हुआ फुल में एप्लीकेंट्स फॉर एटी थाउजेंड शेयर्स को अलॉट किए गए साठ हजार शेयर्स एंड एप्लीकेंट्स फॉर सिक्सटी थाउजेंड शेयर्स वर अलॉटेड फोर्टी थाउजेंड शेयर्स चलो तो ये बाईफिकेशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहां पर एप्लीकेशन कितनी आई कंपनी के पास दो लाख चालीस हजार शेयर की एप्लीकेशन आई और उनको अलॉटमेंट किस तरह से किया यहां पर लिख लेते हैं तीनों कैटेगरीज सबसे पहली जो फर्स्ट वन लाख ,00 एप्लीकेशन आई उनको पूरे के पूरे एक लाख शेयर अलॉट कर दिए गए ठीक है उसके बाद जो एप्लीकेशन अस्सी हजार आई नेक्स्ट उनको साठ हजार शेयर्स अलॉट किए गए अस्सी हजार को साठ हजार अलॉट किए गए ठीक है नेक्स्ट साठ हजार एप्लीकेशंस को चालीस हजार शेयर्स अलॉट किए गए तो साठ हजार को चालीस हजार अलॉट किया गया तो एज यू कैन क्लियरली सी अप्लाइड का टोटल देखो अब कितना आ रहा है अप्लाइड का टोटल हो जाएगा टू लाख फोर्टी और अलॉट कितने किए हमने शेयर्स दो लाख ठीक तो दो लाख चालीस हजार वालों को हमने अलॉट कर दिया दो लाख शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे रेशियो में एप्लीकेंट्स तो थे applicants बोला है यहां पर ठीक है तो जिन्होंने एक शेयर्स अप्लाई किए थे फर्स्ट कैटेगरी में और जिन्होंने ट्वेल्व शेयर्स अप्लाई किए थे कौन सी कैटेगरी में कैटेगरी टू में फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी इन लोगों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया दीज शेयर्स वर फोरफीटेड ऑन फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल चलो तो यहाँ पर लिखते जाते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैटेगरी वन कितने शेयर्स अप्लाई किए वो बताया है कितने शेयर्स अलॉट किए वो नहीं बताया तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं कैटेगरी वन और कैटेगरी टू अभी हम अलॉटेड शेयर्स निकाल लेंगे उनके तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया कैटेगरी वन वालों ने और कैटेगरी टू वालों ने भी एप्लीकेशन का पैसा दे दिया अलॉटमेंट में जो इनका एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करने के बाद अमाउंट ड्यू था वो नहीं दिया इन्होंने भी नहीं दिया फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया इन्होंने भी नहीं दिया तो ये दोनों कैटेगरीज में कितने अलॉटेड शेयर्स हैं वो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर हज़ार शेयर्स अप्लाई जिन्होंने किए थे उनका और यहाँ पे 1200 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए थे उनका तो उनके शेयर्स को क्या कर लिया गया यहाँ पर फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद फोरफीट कर लिया गया ये बहुत समझने वाली बात है बिल्कुल ध्यान से समझना देन होल्डर्स ऑफ 1200 हंड्रेड शेयर अब देखो किस तरह से उन्होंने लैंग्वेज से खेला है यहां पर बोला एप्लीकेंट्स ठीक है तो यहां पर कितना अप्लाई किया है वो बताया लेकिन कितना अलॉट किया है वो हमें निकालना है लेकिन यहां पर डायरेक्टली आपको दे दिया होल्डर्स जो 1200 सो शेयर होल्ड कर रहे हैं कैटेगरी थ्री में मतलब अलॉटेड शेयर डायरेक्टली दे दिया गया है फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल एंड दीज शेयर वर फोर आफ्टर फाइनल कॉल तो यहाँ पर देखो ध्यान से लिख लेते हैं कैटेगरी थ्री तो कैटेगरी थ्री में बोला गया है होल्डर्स तो मतलब ऑलरेडी आपको दे दिया गया यहाँ पे कितना 1200 हंड्रेड शेयर्स तो 1200 सौ शेयर्स कैटेगरी थ्री में जिनको अलॉट किया था उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया और तुरंत इसके बाद इन लोगों के शेयर्स को भी क्या कर लिया गया फोर फीट कर लिया गया मतलब देखो दो बार फोर फीचर हो रहा है क्लियर है चलो 1300 शेयर्स जिसमें से 1000 शेयर्स ऑफ कैटेगरी वन एंड 3000 ऑफ कैटेगरी टू को हमने री किया एट एट पर शेयर एज फुली पेड अप जर्नलाइज द अब ट्रांजेक्शन प्रिपेयर कैश बुक एंड बैलेंस शीट तो लो भाई इन्होंने एक ही क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी बनाने को बोला है कैश बुक भी बनाने को बोला है और बैलेंस शीट भी बनाने को बोला है ठीक है तो ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और पूरी कहानी जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी ठीक है तो ये बाइफर्केशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट था अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं इनका अलॉटेड शेयर्स निकाल लेते हैं ठीक है तो कैटेगरी वन कैटेगरी वन का रेशियो क्या है फुल है रेशियो है तो यहां पर कैटेगरी वन में जिन्होंने हजार शेयर्स अप्लाई किए होंगे उनको अलॉट भी हजार हुए होंगे तो वन हो जाएगा ये क्लियर हो गया ठीक है तो कैटेगरी वन में वन थाउजेंड शेयर्स हो जाएगा आपका अलॉटेड ठीक है सिमिलरली कैटेगरी टू में क्या बोला है कैटेगरी में टू में बोला एप्लीकेंट्स ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड शेयर तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैटेगरी टू तो कैटेगरी टू में आपका क्या रेशियो है देखो एट इस टू सिक्स का रेशियो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो फोर इस टू थ्री का रेशियो हो जाएगा तो हर चार शेयर के बदले तीन शेयर अलॉट किए जा रहे हैं तो 1200 शेयर्स जो एप्लीकेंट्स थे 1200 शेयर्स के उनको कितना अलॉट किया होगा ये हम निकाल सकते हैं तो अलॉटेड शेयर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 1200 हंड्रेड इंटू थ्री डिवाइडेड बाय तो कितना हो जाएगा नाइन हंड्रेड ठीक है तो यहां पे कैटेगरी टू में क्या आ जाएगा नाइन हंड्रेड शेयर्स आया समझ में मतलब ये आपने निकाल लिया कि कैटेगरी वन और टू में हजार शेयर्स और नौ सौ शेयर पर डिफॉल्ट हुआ है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में ठीक है उसके बाद इन 1900 शेयर्स को टोटल फोर फीट किया गया कैटेगरी थ्री वालों ने जिनके पास 1200 शेयर्स थे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर डिफॉल्ट किया तो उन उनके फोर फीचर हो गए फाइनल कॉल के बाद क्लियर हो गया इतना चलिए तो यहाँ पर अब हम लोगों को कैश बुक भी बनानी है तो जितने भी बैंक वाले ट्रांजेक्शन हैं उसकी जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे उसको कैश बुक में लिख देंगे और जितने भी नॉन बैंक वाले ट्रांजेक्शन उसको हम जर्नलाइज करते हुए चलेंगे चलिए फर्स्ट एंट्री क्या होगी इस क्वेश्चन में कैश बुक का फॉर्मेट रेडी है हमें बस एंट्रीज करनी है फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमेशा पहली एंट्री यही करते हैं तो यहाँ पर बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ठीक है कितने दो लाख चालीस हजार शेयर्स पर एप्लीकेशन आई और पर शेयर कितना पे किया एप्लीकेशन अमाउंट पांच रुपए तो टू लाख फोर्टी थाउजेंड इंटू फाइव कितना हो जाएगा बारह लाख तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वाली एंट्री आपकी हो गई कैश बुक में चलो नेक्स्ट एंट्री जो है वो नॉन बैंक वाली है तो उसको हम कर देंगे कहां पे जर्नल में तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना बारह लाख रुपए मिला टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा कंपनी के पास कितने शेयर्स थे अलॉट करने के लिए दो लाख शेयर्स थे अलॉट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय फाइव रुपीज पर शेयर का एप्लीकेशन अमाउंट है मतलब दस लाख रुपए आपका चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में और जो एक्सेस है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे टू तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वाली इंस्टॉलमेंट में तो कितना दो लाख रुपए आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा ठीक है क्लियर हो गया ये सिंपल है चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या होगी नेक्स्ट एंट्री अब कंपनी एप्लीकेशन के बाद यहाँ पर कहानी कंप्लीट हो गई अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी तो सबसे पहले ड्यू करने की एंट्री करते हैं तो ड्यू करने की एंट्री यहाँ पे जर्नल में आ जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ठीक है तो यहां पर दो लाख शेयर्स पर कंपनी टोटल कितना बुलवाने वाली है अलॉटमेंट पर देखो ध्यान से दो लाख शेयर्स पर टोटल बुलवाने वाली है चार रुपए तो टू लाख इंटू फोर टोटल कंपनी बुलवाएगी कितना आठ लाख रुपए जिसमें से दो लाख शेयर्स पर दो रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू है अलॉटमेंट की तो मतलब चार लाख रुपए आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा एंड दो लाख शेयर्स पर दो रुपए पर शेयर का क्या है प्रीमियम तो चार लाख रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा इतना क्लियर हो गया ठीक है चलिए अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये एंट्री होनी चाहिए और इन एरियर्स अगर कुछ है तो इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आया समझ में तो यहां पर बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट वाला पार्ट उस एंट्री के दो टुकड़े कर देंगे तो वो वाला पार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बैंक अकाउंट हमारा कितने अमाउंट से डेबिट हो जाएगा ध्यान से कंपनी को क्या एक्सपेक्टेड है कंपनी को क्या एक्सपेक्टेड है कि उसको टोटल आठ लाख रुपए अलॉटमेंट पे मिले बट आठ लाख में से दो लाख तो ऑलरेडी एप्लीकेशन पे ज्यादा मिले हुए हैं जो हम एडजस्ट करने वाले हैं ठीक है तो यहां पर लिख लेते हैं आठ लाख में से दो लाख रुपए तो वही हो गए हमारे एक्सेस एडजस्टमेंट उसके अलावा हमें अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला ठीक है किससे कैटेगरी वन और कैटेगरी टू से तो उसकी हम वर्किंग कर लेते हैं ठीक है तो कैटेगरी वन का तो कोई भी प्रोराटा अलॉटमेंट होगा नहीं इनका अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर्स कितना हो जाएगा सीधे निकाल लेते हैं अलॉटमेंट पर कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा इन्होंने तो कुछ एक्सेस अमाउंट दिया नहीं जितना एप्लीकेशन पे दिया था उतना ही उनको शेयर्स अलॉट किया गया है तो सीधे सीधे आप निकाल सकते हो कि हज़ार शेयर्स पर इन्होंने दो रुपए की फेस वैल्यू अलग अलग लेके चलते हैं और हजार शेयर्स पर दो रुपए का प्रीमियम ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा फेस वैल्यू और ये हो जाएगा हमारा प्रीमियम तो इस तरह से टू थाउजेंड रुपीज़ फेस वैल्यू का और टू थाउजेंड रुपीज़ प्रीमियम का दैट इज टोटल फोर थाउजेंड रुपीज़ नहीं दिया ये आपका हो जाएगा कॉल्स इन अरियर्स ठीक है क्लियर हो गया इतना तो हज़ार शेयर्स पे आपको चार रुपये नहीं मिला कैटेगरी वन का नेक्स्ट कैटेगरी टू का निकाल लेते हैं कैटेगरी टू का कैसे निकालोगे एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड अब यहां पर प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ है तो उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा कैटेगरी टू वालों ने ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स सॉरी नाइन हंड्रेड शेयर्स अलॉट हुए हैं ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स पर टोटल कितना पैसा दिया होगा टोटल पाँच रुपये दिया था एप्लीकेशन का अप्लाई करते समय तो बारह सौ इंटू पाँच कितना हो जाएगा छः हजार रुपये दिया लेकिन उनको अलॉट कितने गए सिर्फ नौ सौ शेयर्स अलॉट किए गए तो उनका एप्लीकेशन अमाउंट बनता कितना था नाइन हंड्रेड शेयर्स पर पाँच रुपये पर शेयर के हिसाब से फोर्टी फाइव हंड्रेड ही बनता था इसका मतलब इन लोगों ने फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ एक्सेस दे दिया ठीक है अब जब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी अब जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी तो इनसे 900 सौ शेयर अलॉट जो किए हैं उस पर टोटल चार रुपए मंगवाएगी दो रुपए फेस वैल्यू वाले एंड दो वाले. है? तो 1800 फेस वैल्यू हो गया और 1800 प्रीमियम हो गया तो सबसे पहले एक्सेस अमाउंट को हम कहा से एडजस्ट करते हैं एक्सेस अमाउंट को सबसे पहले हम एडजस्ट करते हैं फेस वैल्यू से तो 1500 हंड्रेड यहां से एडजस्ट हो जाएगा तो फेस वैल्यू का अमाउंट बचेगा तीन सौ रुपए और पूरा का पूरा प्रीमियम आउटस्टैंडिंग रहेगा अट्ठारह सौ तो ये कितना ट्वेंटी वन हंड्रेड यहां पर आ जाएगा आपका कॉल्स इन अरियर्स आ रहा है समझ में कैटेगरी वन और कैटेगरी टू का ये समझ में आया आपको चलो यहां पर अब हम लिख लेते हैं कॉल्स इन अरियर्स तो यहाँ पर एक जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए और यहाँ पर क्योंकि बच्चों थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया उन्होंने तीन तीन कैटेगरीज इसलिए मैं यहाँ पर आपको कॉल्ज एंड एरियर्स को कम्बाइंड ना लेके अलग अलग ले रही हूँ तो कॉल्ज इन अरियर्स अकाउंट ऐसे लिख रही हूँ ना मतलब कैटेगरी वन वाले लोग हो गए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कैटेगरी टू वाले हो गए क्विटी शेयर अलॉटमेंट ठीक है जनरली मैं पूरा अमाउंट कंबाइन करके ही लिख देती हूँ सारी कैटेगरीज का बट इसका आसानी आपको समझ में आएगी जब आप री इशू वाली एंट्री करोगे ठीक है तब गेन ऑन री इशू निकालने में बहुत आसानी होगी और शेयर फोर फीचर अकाउंट निकालने में बहुत आसानी होगी चलो तो कॉल्स नजर अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा कैटेगरी वन वालों ने कितना नहीं दिया आपको टोटल चार हज़ार नहीं दिया और कैटेगरी टू वालों ने आपको कितना नहीं दिया इक्कीस सौ नहीं दिया तो यहां पर कितना कितना अमाउंट नहीं मिला अलॉटमेंट पे इन दोनों से वो हमने निकाल लिया तो यहां पर लिख लेते हैं चार हजार और ट्वेंटी वन तो हो वन हंड्रेड क्लियर हो गया तो यहां पर हम माइनस कर लेते हैं सिक्सटी वन हंड्रेड टोटल कॉलजन एरियर्स तो आठ लाख मिलना चाहिए था अलॉटमेंट पे उसपे से दो लाख रुपए ऑलरेडी मिल चुका है और सिक्सटी वन हंड्रेड कैटेगरी वन और टू वालों से नहीं मिला तो नेट कितना मिल गया फाइव लैख नाइन्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड आया समझ में चलिए अब इसके बाद क्या एंट्री होने वाली है इसके बाद अलॉटमेंट का पूरा हमारा कहानी कंप्लीट हो चुका है अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे तो कंपनी क्या करेगी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी कितने शेयर्स पे दो लाख शेयर्स पे दो रुपए पर शेयर के हिसाब से चलिए तो सिंपल एंट्री है इसको ड्यू कर लेते हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है तो कितना हो जाएगा आपका दो लाख शेयर्स पर कंपनी दो रुपए बुलवाएगी उम्मीदों के साथ बड़ी ही चार लाख रुपए लेकिन उसकी उम्मीदों पे फिर पानी फिर जाएगा ठीक है और इस बार ज्यादा ही पानी फिरेगा क्यों क्योंकि कैटेगरी वन और टू वाले तो नहीं दे रहे और और उनके साथ साथ अब क्या बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कौन आ गए कैटेगरी थ्री वाले भी उन्होंने भी धोखा देना स्टार्ट कर दिया फर्स्ट कॉल से आ रहा है समझ में चलिए तो यहां पर हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बट उस पूरी कंबाइंड एंट्री को हम दो टुकड़ों में हिस्सा कर रहे हैं तो बैंक वाला पार्ट यहां आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ठीक है तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको चार लाख रुपए टोटल फर्स्ट कॉल पे मिलेंगे लेकिन उसमें से कॉल इन अरियर्स होने वाला है तो वो हम निकाल लेते हैं ठीक है तो यहां पर एक एंट्री कर लेते हैं हम कॉल्स इन अरियर्स वाली सेपरेट एंट्री कर लेते हैं कॉल्ज इन अरियर्स अकाउंट डेबिट तीनों कैटेगरीज का अलग अलग कर लेते हैं ताकि हमको आसानी हो बाद में आप कंबाइंड भी कर सकते हो लेकिन आपको कंफ्यूजन कम हो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा उसको सेपरेटली कर रही हूं ठीक है कैटेगरी वाइज में कॉल्स इन एरियर्स को बुक कर रही हूं तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कैटेगरी वन टू थ्री तीनों के डेबिट कर लिए टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट चलो तो कॉल जिनरियर कितना हो जाएगा यहां पर ध्यान से हजार शेयर्स पे कितना नहीं मिला दो रुपए नहीं मिला नौ सौ शेयर्स पे कितना नहीं मिला दो रुपए और बारह सौ शेयर्स पे कितना नहीं मिला दो रुपए तो ये लिख लेते हैं हजार शेयर्स पर दो रुपए नौ सौ शेयर्स पे दो रुपए और बारह सौ शेयर्स पर दो रुपए नहीं मिला तो ये कितना हो जाएगा टू थाउजेंड हो जाएगा 1800, और ये हो जाएगा चौबीस सौ सिक्सटी टू हंड्रेड तो टोटल तो प्लस प्लस तो तो तीनों कैटेगरी से नहीं मिला फर्स्ट कॉल का अमाउंट ठीक है तो यहाँ पे चार लाख ,00 में से सिक्सटी टू हंड्रेड माइनस कर लो तो चार लाख चाहिए था उसमें से सिक्सटी टू हंड्रेड नहीं मिला तो कितना मिला थ्री लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड क्लियर हो गया फर्स्ट कॉल तक पूरी कहानी कंप्लीट हो गई अब इसके बाद कंपनी क्या कर रही है अब कंपनी को गुस्सा आ गया कंपनी ने बोला ये लोग दो बार से गड़बड़ कर रहे हैं तो उसने क्या बोला कि चलो कैटेगरी थ्री वाले तुमने तो एक बार गड़बड़ की है तो तुम्हें हम एक चांस दे रहे हैं और ठीक है लेकिन कैटेगरी वन और टू अब तुम लोगों का पाप का घड़ा भर चुका है अब मैं तुम्हारे शेयर्स फोर फीट करूंगी तो कंपनी कैटेगरी वन और टू के शेयर्स को क्या कर रही है फोर फीट या मतलब कैंसिल कर रही है तो आप कैंसिलेशन की एंट्री करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ठीक है सिक्योरिटी प्रीमियम भी ड्यू हुआ था जो नहीं मिला है अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट पे तो उसको भी हमको कैंसिल करना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कैटेगरी वन टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कैटेगरी टू कैटेगरी वन और टू को कैंसिल कर रहे हैं तो दोनों के कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट करेंगे एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट ठीक है तो हम जेब बना रहे हैं जिसमें हम कैटेगरी वन और टू का पैसा डालेंगे मैं आपको अलग से बाइफकेशन यहाँ पे करके दिखा दूंगी ठीक है चलो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा तो हम कितने शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं हज़ार शेयर्स कैटेगरी वन वाले और नौ सौ शेयर्स कैटेगरी टू वाले इन दोनों कैटेगरीज को कैंसिल कर रहे हैं ठीक है और इन पे कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है कॉल्ड अप फेस वैल्यू प्रीमियम को नहीं देखना है फाइव प्लस टू सेवन प्लस टू कितना हो गया नाइन चलो तो यहाँ पे लिख लेते हैं हजार शेयर्स कैटेगरी वन के प्लस नौ सौ शेयर्स कैटेगरी टू के मल्टीप्लाइड बाय नाइन रुपी पर शेयर का कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू तो नाइनटीन हंड्रेड इंटू नाइन कितना हो जाएगा सेवनटीन थाउजेंड वन हंड्रेड तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा सेवनटीन थाउजेंड वन हंड्रेड से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना आउटस्टैंडिंग है ध्यान से देखो यहाँ पर दो हजार रुपये का प्रीमियम नहीं मिला अलॉटमेंट पर ड्यू हुआ था और यहां पर 1800 का प्रीमियम नहीं मिला ठीक है तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2000 प्लस 1800, ठीक है कैटेगरी वन और टू का जो टोटल प्रीमियम नहीं मिला उसको हम कैंसिल कर रहे हैं 3800, क्लियर हो गया कॉल्स नरियर्स कैटेगरी वन वाले कितने हैं 4000 ये है और 2000 ये है ठीक है तो ये कितना हो गया 6000, हजार फोर थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड ठीक है कैटेगरी टू का कितना है ट्वेंटी वन हंड्रेड और एटीन हंड्रेड ट्वेंटी वन हंड्रेड प्लस एटीन हंड्रेड कितना हो गया थर्टी नाइन हंड्रेड ठीक है तो ये आपका कॉलजन एरियर्स हो गए दोनों के आप ऐसे भी देख सकते हो टोटल भी चाहो तो देख सकते हो ये कितना हो जाएगा सिक्स थाउजेंड प्लस ये कितना हो जाएगा थर्टी एट हंड्रेड इज नाइन्टी एट हंड्रेड ठीक है, Sorry, ये 6, होगा. 6, 100, 2, 100 है ना सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड प्लस थर्टी एट हंड्रेड तो ये आपका हो जाएगा नाइन्टी नाइन हंड्रेड यही आ रहा है तो दोनों कैटेगरीज के कॉल इन एरियर्स आपने अलॉटमेंट पर भी जो नहीं दिया और फर्स्ट कॉल पर भी जो नहीं दिया वो आपने लिख लिया इतना क्लियर हो गया अब यहाँ पर शेयर फोर फीचर अकाउंट में क्या आ जाएगा शेयर फोर फीचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर वैसे आप निकाल सकते हो सेवेंटीन थाउजेंड वन हंड्रेड प्लस थर्टी एट हंड्रेड माइनस सिक्स थाउजेंड माइनस थर्टी नाइन हंड्रेड तो आपका कितना आ गया इलेवन थाउजेंड ठीक है लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि स्टेटमेंट दिया है जब हम प्रपोर्शनेटली री इशू कर रहे हैं ठीक है तो जो प्रपोर्शन में हम री इशू कर रहे हैं उसी प्रपोर्शन में हमें गेन ऑन री इशू भी निकालना पड़ेगा इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे शेयर फोर फीचर अकाउंट की दो जेब बना रहे हैं कैटेगरी वन और कैटेगरी टू तो ग्यारह हजार का मैं बाइफोकेशन यहाँ पे लिख के आपको दे रही हूँ तो पहला सबसे पहले ध्यान से कैटेगरी वन वालों का कितना अमाउंट जो उन्होंने दिया है वो हम कब्जे में लेने वाले हैं कैटेगरी वन से हमें एप्लीकेशन का पूरा पैसा मिला है दैट मीन्स उन्होंने हमें कितना दिया है ध्यान से कैटेगरी वन वालों ने 1200, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था ठीक है अप्लाइड शेयर्स देखना है वन थाउजेंड शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उस पर पांच रुपए पे किया है तो यहां पर लिख लेते हैं वन थाउजेंड इंटू फाइव यह हो गया कैटेगरी वन वालों का अमाउंट जो हम फोरफिट करने वाले हैं ये कितना हो रहा है पांच हजार प्लस कैटेगरी टू वालों ने कितना पैसा दिया है जो हम अपना लेने वाले हैं ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स पे पांच रुपये हमें रिसीव हुआ है उनसे छह हजार रुपये ठीक है और इसका कोई भी अमाउंट प्रीमियम से एडजस्ट नहीं हुआ है तो प्रीमियम वाला पूरा नहीं पूरा फेस वैल्यू से ही एडजस्ट हो रहा है एप्लीकेशन की भी और अलॉटमेंट की भी तो ये पूरा का पूरा छः हज़ार हम कब्जे में ले लेंगे सेक्शन फिफ्टी टू में कुछ भी नहीं गया तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स पर पाँच रुपया मिल गया कैटेगरी टू से तो अब देखो आप ये पाँच हज़ार हो गया छः हज़ार हो गया तो पाँच प्लस छः ग्यारह हज़ार हो गया आ रहा है समझ में तो बेसिकली मैंने आपको ग्यारह हज़ार का बाइफर्केशन दिया है कि इस ग्यारह हज़ार में से पाँच हज़ार रुपये कैटेगरी वन वालों के हैं और छः हज़ार रुपये कैटेगरी टू वाले वालों के हैं इतना क्लियर हो गया चलो तो यहां पर हमारा फोर फीचर कंप्लीट हो गया इन दोनों कैटेगरीज का इसके बाद क्या किया कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू किया तो फाइनल कॉल कंपनी एक रुपए पर शेयर पे ड्यू करने वाली है तो उसकी एंट्री कर लेते हैं ड्यू करने की एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अब ध्यान देने वा, वाली बात यहां पर यह है कि आप कितने शेयर्स पर फाइनल कॉल बुलवाओगे ध्यान से अब आप फाइनल कॉल ड्यू करते टाइम आपको याद रखना है कि ये 1900 शेयर्स कैंसिल कर चुके हो तो मतलब दो लाख शेयर्स में से 1900 शेयर्स तो अब नहीं रहे कैंसिल हो गए ठीक है तो दो लाख में से माइनस नाइनटीन हंड्रेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई वन रुपी। एक रुपए का आपका फाइनल कॉल का अमाउंट है तो दो लाख में से 1900 गए कितने बचे वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई वन तो यही हो गया तो वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसको फाइनल कॉल पर मिलेगा लेकिन उसकी उम्मीदों पे पानी फिरा जब कैटेगरी थ्री वालों ने धोखा दे दिया तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट सॉरी फाइनल कॉल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा तो वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड रुपीज़ में से कंपनी को कितना मिला वो नेट अमाउंट बैंक अकाउंट में डेबिट होगा तो यहाँ पे कॉल इन एरियर्स निकालना पड़ेगा ध्यान से तो ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स पे कंपनी को एक रुपये नहीं मिला तो ट्वेल्व हंड्रेड क्या हो जाएगा कॉल इन एरियर्स तो ट्वेल्व हंड्रेड यहाँ पे माइनस कर लो कितना हुआ वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड माइनस ट्वेल्व हंड्रेड तो आ गया आपका वन लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड आया समझ में और कॉल्स इन अरियर्स को लिखना मत भूलना तो यहां पर हम लिख लेते हैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट कैटेगरी भी मेंशन कर देते हैं कैटेगरी थ्री का है ये टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो 1200 शेयर्स पर एक रुपए पर शेयर नहीं मिला तो 1200 आपका कॉल इन एरियस हो जाएगा क्लियर हो गया तो कंबाइंड एंट्री को दो टुकड़ों में कर दिया बैंक वाला कैश बुक में चला गया और कॉल्स इन एरियर्स वाला पार्ट यहीं पर रह गया क्लियर हो गया इतना चलिए अब इसके बाद क्या हो रहा है इन शेयर्स को भी फोरफीट किया जा रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ठीक है तो कितने शेयर्स को फोर कर रहे हैं हम ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स कैटेगरी थ्री वालों को फोर कर रहे हैं और अभी तक इन पर कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है पूरे इंस्टॉलमेंट्स बुलवा चुके हैं तो दस रुपये फेस वैल्यू पूरी बुलवा चुके हैं फाइनल कॉल तक तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स पर दस रुपये पूरे बुलवा लिए हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा बारह हजार से ठीक है सिक्योरिटी प्रीमियम तो वो पूरा दे चुके थे अलॉटमेंट वाला तो हमको वापस से डेबिट करने की जरूरत नहीं है टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट तो टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कैटेगरी थ्री ठीक है ध्यान से अब यहाँ पर कौन सा अमाउंट आएगा देखो कैटेगरी वन का चार हजार और ये वाला दो हजार ठीक है ये हम ले चुके हैं देखो ध्यान से कैटेगरी वन के दोनों पार्ट हम कैंसिल कर चुके हैं ये क्रेडिट कर चुके हैं पूरा छः हजार आया समझ में इसी तरह से कैटेगरी टू का ट्वेंटी वन हंड्रेड और ये एटीन हंड्रेड हम ले चुके हैं कैंसिल कर चुके हैं क्रेडिट कर चुके हैं फोर फीचर की एंट्री में वापस तो थर्टी नाइन हंड्रेड आपका क्रेडिट डेबिट हुआ और थर्टी नाइन हंड्रेड क्रेडिट हो गया अब क्या बचा सिर्फ कैटेगरी थ्री का तो कैटेगरी थ्री का ट्वेंटी फोर हंड्रेड ठीक है इसको मैं अलग कलर से कर देती हूँ तो कैटेगरी थ्री का ट्वेंटी फोर हंड्रेड और यहाँ पर एक और जगह था हमारा कैटेगरी थ्री का ट्वेल्व हंड्रेड आया समझ में तो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर हंड्रेड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड यह आपका कैटेगरी थ्री का हो जाएगा ठीक है तो चौबीस सौ रुपये आपने कैटेगरी थ्री वालों ने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया और बारह सौ रुपये फाइनल कॉल पे नहीं दिया तो टोटल ट्वेंटी फोर हंड्रेड प्लस ट्वेल्व हंड्रेड कितना हो गया थर्टी सिक्स हंड्रेड नहीं दिया तो आपका कॉल जन अरियर्स कितना हो जाएगा थर्टी सिक्स हंड्रेड टू शेयर फोर फीचर अकाउंट अब ये शेयर फोर फीचर अकाउंट कैटेगरी थ्री वालों का अमाउंट कितना कब्जे में लेंगे हम ठीक है तो बहुत सिंपल है इसको निकालना ट्वेल्व थाउजेंड माइनस थर्टी सिक्स हंड्रेड कितना हो गया एटी फोर हंड्रेड आप चाहो तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो कैटेगरी थ्री से ऐसा कितना पैसा मिल गया अभी हम ये वाली एंट्री पर हैं फोर फीचर की तो कैटेगरी थ्री वालों से हमें टोटल ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स पर एप्लीकेशन का पैसा मिल गया अलॉटमेंट और प्रीमियम का भी मिल गया लेकिन प्रीमियम वाले को इग्नोर करेंगे क्यों क्योंकि वो सेक्शन फिफ्टी टू में जा चुका है जो प्रीमियम अमाउंट ड्यू होता है और हमें मिल जाता है उसको हम सेक्शन फिफ्टी टू की गुल्लक में डाल देते हैं और उसको हाथ नहीं लगाते तो आपको टोटल सेवन रुपीज मिल चुका है बारह सो शेयर पे ठीक है तो बारह सो शेयर पे सेवन रुपीज कितना होता है एट्टी फोर हंड्रेड देखो यही आ रहा है हमारा आया समझ में तो ये फोर फीचर की एंट्री हो गई अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगी अब इसके बाद री इशू कर रहे हैं शेयर्स को ठीक है कितने शेयर्स को री इशू कर रहे हैं देखो थर्टीन हंड्रेड शेयर को इशू कर रहे हैं एट एट पर शेयर तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एक एंट्री हो जाएगी तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट तो हम जब कंबाइंड एंट्री करते हैं तो बैंक अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे तेरह सौ शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं आठ पर शेयर पर ठीक है तो थर्टीन हंड्रेड शेयर मल्टीप्लाइड बाई एट दैट मीन्स दस हजार चार सौ आपका क्या हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा ठीक है तो बैंक अकाउंट डेबिट दस हज़ार चार सौ से हो जाएगा एंड क्योंकि फुली अप मान रहे हैं ठीक है तो पेड अप वैल्यू यहाँ पर क्या लेके चलेंगे फुल फेस वैल्यू दस रुपये मान के चल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आने वाला है डिस्काउंट आने वाला है ठीक है तो यहाँ पर डिस्काउंट के लिए शेयर फोर फीचर अकाउंट हो जाएगा तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ठीक है तो थर्टीन हंड्रेड शेयर पर दो रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं कैसे दस रुपए की अप वैल्यू वाले शेयर को आठ इशू कर रहे री इशू कर रहे हैं तो दो रुपए का डिस्काउंट मतलब थर्टीन हंड्रेड इंटू टू कितना ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड का डिस्काउंट हो रहा है आ रहा है समझ में तो ये जो कंबाइंड एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल उसमें से हमने बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पर डाल दिया दस हजार चार सौ का ठीक है और हमने यहां पर छब्बीस सौ का डिस्काउंट डाल दिया ठीक है दोनों एंट्रीज को सेपरेट कर दिया है आ रहा है समझ में चलो अब लास्ट लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री हमारी क्या है गेन ऑन री को ट्रांसफर करने की एंट्री तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट चलो तो यहां पे वर्किंग निकाल लेते हैं कैटेगरी वन का कितना अमाउंट हमने शेयर फोर फीचर में अपना कब्जा किया था पाँच हजार तो फाइव थाउजेंड हमने कैटेगरी वन वालों का कब्जा किया था मल्टीप्लाइड बाय क्या बोला गया है हमने कैटेगरी वन वालों का कितने शेयर्स इशू किए री इशू किए हज़ार शेयर्स और उनके फोर फीट कितने किए थे हजार शेयर्स फोर फीट किए थे तो यहाँ पर आ जाएगा वन थाउजेंड शेयर्स री इशूड डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड शेयर फोर फीटेड यह आपका कैटेगरी वन का हो गया प्लस कैटेगरी टू का कितना अमाउंट फोर फीट किया कैटेगरी टू वालों का 1200 सौ शेयर्स पे पाँच रुपये मिले थे मतलब छः हजार रुपये मिले थे तो सिक्स थाउजेंड हमने कब्जे में ले लिए थे मल्टीप्लाइड बाय हम इनके कितने शेयर्स रीइू कर रहे हैं अगर हजार शेयर्स हम कैटेगरी वन वालों के कर रहे हैं तो तीन सौ शेयर्स कैटेगरी टू वालों के कर रहे हैं और इनके शेयर्स फोर फीट कितने किए थे नाइन हंड्रेड तो यहाँ पर लिख लेते हैं इन थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाय 900, ठीक है माइनस डिस्काउंट दोनों को रीइू करने पर कितना दे रहे हैं छब्बीस का तो अब निकाल लो ये कितना हो जाएगा 5000 ये कितना हो जाएगा 6000 हजार इंटू तीन डिवाइडेड बाय 900 ये हो जाएगा आपका 2000 हजार माइनस छब्बीस ठीक है तो कितना हो जाएगा 5000 थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड माइनस छब्बीस सौ दैट इज फोर्टी फोर हंड्रेड क्लियर हो गया तो यहां पर आपका एंट्री क्या हो जाएगा शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट फोर्टी फोर हंड्रेड ठीक है देखो आंसर यही आ रहा है क्या एक बार यहाँ पर आंसर देख लेते हैं अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व फोर्टी फोर हंड्रेड आ रहा है ठीक है अमाउंट फोर फीटेड हमारा ग्यारह हजार आ रहा था कैटेगरी वन और टू का ठीक है क्लियर हो गया इतना चलो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं ये तो हमारा परफेक्ट सॉल्व हो गया है अब एक बार कैश बुक को जल्दी से काम हो चुका है तो क्लोज कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारा कैश बुक और जर्नल एंट्रीज का काम कंप्लीट हो गया है बस बैलेंस शीट बची है तो जल्दी से बैलेंस शीट भी बना लेंगे तब तक पहले आप ये नोट कर लो यहाँ पर टोटल लगा लो डेबिट साइड कितना हो रहा है बारह लाख प्लस फाइव लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड प्लस थ्री लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस वन नाइन्टी सिक्स नाइन हंड्रेड प्लस टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड ये कितना हो गया ट्वेंटी थ्री लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड ठीक है तो ट्वेंटी थ्री लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कैश बुक का तो अब जल्दी से कैश बुक नोट कर लो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो ये पूरी वर्किंग देख लो ठीक है ये कैश बुक हो गई ये जर्नल एंट्रीज आप स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हो और ये आपकी फर्दर जो आगे की बची हुई जर्नल एंट्रीज़ थी बस अब बैलेंस शीट है जल्दी से इतना नोट करो इसमें कोई डाउट हो तो पूछो फिर बैलेंस शीट पे आगे बढ़ रहे हैं चलिए फटाफट बैलेंस शीट बना लेते हैं तो हमारी बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट रेडी है और नोट्स टू अकाउंट्स पर आ जाते हैं सबसे पहले तो पहला नोट हमारा बनेगा शेयर कैपिटल जिसमें आप क्लासिफाई करोगे ऑथराइज कैपिटल में इशूड कैपिटल में और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ठीक है तो इज कैपिटल में तो इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं हुआ है तो डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट टेन जाएगा आपका डैश ऑथराइज कैपिटल कुछ भी नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में नेक्स्ट इशूड कैपिटल तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए दो लाख शेयर्स इशू किए यहां पर तो टू लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट टेन ईच तो ये कितना हो जाएगा आपका बीस लाख ठीक है अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या आ जाएगा ध्यान से बिल्कुल ध्यान से देखना यहां पर तो आ जाते हैं वर्किंग पे अब जैसा आप सब देख सकते हो यहां पर हमारे पास टोटल थे कितने दो लाख शेयर्स ठीक है कंपनी ने जो अलॉट किए थे लोगों को लेकिन उसमें से हमने सबसे पहले क्या किया सबसे पहले हमने टोटल हजार शेयर्स कैटेगरी वन वाले और 900 शेयर्स को कैंसिल कर दिया ठीक है उसके बाद हमने कैटेगरी थ्री वाले भी कितने शेयर्स कैंसिल कर दिए 1200 शेयर्स कैंसिल कर दिए तो कितना हो गया दो लाख माइनस हजार माइनस नौ सौ माइनस बारह सौ वन लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड हो गया और फिर हमने टोटल 1300 शेयर्स को दोबारा री इशू कर दिया इस फुली अप तो कितना हो गया ये हो जाएगा आपका वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड तो वर्किंग समझ में आ गई बहुत सिंपल है बेसिक सी वर्किंग है दो लाख में से कितने कैंसिल करे कितने फोर फीट के वो माइनस कर लो और फिर दोबारा कितने री इशू किए तो वन एट थाउजेंड टू हंड्रेड शेयर्स यहां पर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली up, ठीक है तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली up में आपका आपके कौन से शेयर्स आ जाएंगे वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड वाले तो वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड शेयर्स एट द रेट टेन ईच कितना हो रहा है ये इनटीन लाख एटी टू थाउजेंड ठीक है ये आपके हो गए सब्सक्राइब एंड फुली पेडअप और ये वन लाख नाइन्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड कैसे है मैं यहाँ पर लिक, आपको लिख देती हूँ दो लाख में से आपने सबसे पहले हजार माइनस उन्नीस सौ हजार माइनस उन्नीस सौ माइनस नौ सौ माइनस बारह सौ ये पहले फोर फीट के है. और प्लस तेरह सौ आपने री कर दिए तो ये वन लाख नाइन्टी एट टू हंड्रेड की वर्किंग मैंने आपको यहीं पर लिखकर दे दी है ठीक है इनके से आपको फ्यूचर में कन्फ्यूजन हो तो आप देख सकते हो आया समझ में चलिए अब इसमें हम लोग जोड़ लेंगे प्लस फोर फीटेड शेयर्स ठीक है तो फोर फीटेड शेयर्स का कितना अमाउंट हमारा हमारे पास पड़ा हुआ है देखो ध्यान से देखना आप तो अभी अगर आप देखो एक ट्वेल्व हंड्रेड शेयर्स जो कैटेगरी थ्री वाले थे ये तो पूरे के पूरे इनका अमाउंट एट्टी फोर हंड्रेड का पड़ा हुआ है ठीक है और कैटेगरी टू में छः हजार शेयर्स में से तीन सौ का हमने तीन सौ शेयर्स को प्रपोर्शनेट बेसिस पे उनका मतलब दैट इज दो हजार रुपए आप क्या कर चुके हो गेन ऑन रीशू कंसिडर कर चुके हो ध्यान से तीन पॉकेट्स हैं आपके ठीक है ऐसे समझो कैटेगरी वन की पॉकेट कैटेगरी टू की पॉकेट ये एक बार समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको क्लियरली हो जा, हो जाए क्लियर जाएगा तो कैटेगरी वन की पॉकेट में आपने पांच हजार रुपए कब्जे में लिए थे और डाले थे कितने जेब में छ हजार रुपए लेकिन इस छह हजार रुपए में से आपने जो थ्री हंड्रेड शेयर को रीइशू किया उनका ही प्रपोर्शन दैट इज टू थाउजेंड रुपीज को आपने कैपिटल रिजर्व में के लिए भेज दिया है तो अब इस जेब में कितना बचा है चार हजार बचा हुआ है ठीक है तो चार हजार रुपये आपका हो जाएगा यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सिक्स थाउजेंड रुपीज जो आपने फोर फीट किए थे मल्टीप्लाइड बाय सिक्स हंड्रेड शेयर्स का सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय नाइन हंड्रेड देखो यही आ रहा है चार हजार आ रहा है ठीक है एंड 1200 शेयर्स पर जो सात रुपए आपने फोर फीट किए थे पर शेयर दैट इज 8400 ठीक है तो 4000 प्लस 8400 कितना हो गया 12400 तो ये आपका टोटल आ जाएगा नाइनटीन लाख एटी टू थाउजेंड प्लस ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड कितना हो जाएगा नाइनटीन लाख नाइनटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है ये आपका हो जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्लियर हो गया इतना 8400 आपने यहाँ से ले लिया अगर आपको याद ना हो तो ये कैटेगरी थ्री का जो फोर फिटेड अमाउंट है तो जो शेयर्स रीइशू नहीं हुए हैं उनका अमाउंट जो हमारी जेब में पड़ा हुआ है ये बेसिकली वो अमाउंट है ठीक है तो ये यह आप यहां पर डाल दोगे इतना क्लियर हो गया तो शेयर कैपिटल का नोट हमारा कंप्लीट हो गया सेकेंड नोट आपका क्या बन जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का रिजर्व एंड सरप्लस ठीक है तो इसमें आपकी दो चीजें आ जाएंगी एक आ जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व और एक आ जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ठीक है तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया आपने फोर्टी फोर हंड्रेड ठीक है यहां पर लिख लेते हैं फोर्टी फोर हंड्रेड और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना अमाउंट गया था ध्यान से देखो चार लाख गया था ठीक है चार लाख में से आप थर्टी एट हंड्रेड को क्या कर रहे हो डेबिट कर रहे हो क्लियर हो गया तो मतलब फोर लाख क्रेडिट माइनस आपका थर्टी एट हंड्रेड यहाँ पे लिख लेते हैं फोर लाख माइनस थर्टी एट हंड्रेड कितना बचा थ्री लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड तो थ्री लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस फोर्टी फोर हंड्रेड ये कितना हो जाएगा फोर लाख सिक्स हंड्रेड ठीक है तो so, ये आपका हो जाएगा किस चीज़ से रिलेटेड रिजर्वेंट्स और प्लस से रिलेटेड एंड एक लास्ट नोट और बन जाएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का जिसमें आपका आ जाएगा कैश एट बैंक तो हमने कैश अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर कैश अकाउंट में देखो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है ट्वेंटी थ्री लाख नाइंटी फाइव थाउजेंड चलिए तो अब बस ये सारे नोट्स टू अकाउंट्स बन चुके हैं फटाफट इसको बैलेंस शीट में लिख लेते हैं यहां पे आ जाएगा शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस ठीक है तो नोट नंबर वन नोट नंबर टू और कैश एंड जाएगा नोट नंबर थ्री चलो नोट नंबर वन का टोटल कितना आ रहा है देखो जरा notes accounts में पेड वाला लेंगे ,00, ,00. तो यहां पे लिख लेते हैं नाइनटीन लाख नाइनटी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड यहां पर कितना आ रहा है उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल कितना आ रहा है फोर लाख सिक्स हंड्रेड तो यहाँ पे लिख लिया फोर लाख सिक्स हंड्रेड ठीक है और कैश एंड कैश का टोटल ट्वेंटी थ्री लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड अब इसको टोटल कर लेते हैं तो लाइबिलिटी और असेट साइड लाइबिलिटी साइड का टोटल देखो नाइनटीन लाख नाइन्टी फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस फोर लाख सिक्स हंड्रेड कितना हो गया ट्वेंटी थ्री लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड हो गया तो एज यू कैन क्लियरली सी आपका असेट्स और लाइब्रिटीज साइड टोटल बराबर आ गया बैलेंस शीट टैली हो गई चलो जल्दी से नोट कर लो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो चलिए बहुत बढ़िया तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 91 तक सारे क्वेश्चंस देख लिए काफी बड़ा क्वेश्चन था ये लेकिन फुल फ्लैच क्वेश्चन था इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स में ठीक है और आई होप आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ गया होगा फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो हम करेंगे आने वाले अगले लेक्चर में तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन तब तक के लिए गुड बाय